बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द फॉलोइंग कर्व। दो कर्व हमें गिवन है पार्ट ए में, और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर ले। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हम इस फार्मूले से मालूम करते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन डिवाइड बाई वन प्लस एम वन एम टू। और ये ठीक है, इक्वेशन थर्ड भी अब इसको दे सकते हैं नाम। अब पहले हम एक्स वाई पॉइंट मालूम करते हैं, तो इन दो इक्वेशन से हम एक्स और वाई पॉइंट्स मालूम कर सकते हैं। अगर दो इक्वेशन हम ऐड कर ले दो, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और एक्स की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो ऐड, और फिर इसके बाद हम इस इक्वेशन से एम वन मालूम करेंगे और इस इक्वेशन से एम टू। स्लोप आप करो वन और स्लोप आप करो टू। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों का अगर हम ऐड कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से आता है टू एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। और इन दो को अगर हम ऐड करें तो इन दोनों में ए स्क्वायर कामन है, तो हमारे साथ रह जाएगा अंडर द रूट टू प्लस वन, तो बोथ साइड डिवाइड बाय टू। तो एक्स स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा एक्स ए स्क्वायर एन टू अंडर द रूट टू, अंडर द रूट टू प्लस वन डिवाइड बाई टू। अब एक्स हम मालूम करते हैं, टू टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एन टू अंडर द रूट टू प्लस वन डिवाइड बाई टू अंडर द रूट। तो एक्स हमारे साथ आ जाएगा ए स्क्वेयर से ए आता है, और ये हमारे साथ बन जाएगा अंडर द रूट टू प्लस वन डिवाइड बाई टू। एक्स मालूम हो गया। अब एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके वाई मालूम कर ले, पुट इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एक्स की वैल्यू हमारे साथ है ए इन टू अंडर द रूट टू प्लस वन डिवाइड बाई टू, और एक्स स्क्वेयर है तो इसके ऊपर हम स्क्वेयर लगाएंगे, और माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर से हमारे साथ ए स्क्वेयर आता है, और ई अंडर रूट स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ए बन जाएगा अंडर द रूट टू प्लस वन डिवाइड बाई टू। और ये ए स्क्वेयर जब इस साइड पर आ जाए तो माइनस ए स्क्वेयर हो जाएगा, ये माइनस वाई स्क्वेयर उस साइड पे प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा। अब इन दोनों में ए स्क्वेयर कामन है, तो ये हमारे साथ रह जाएगा अंडर द रूट टू प्लस वन डिवाइड बाई टू। ए स्क्वेयर कामन है और यहाँ पे माइनस वन रह जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। सो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एम टू, इसका एलसीएम टू है, तो अंडर द रूट टू प्लस वन माइनस टू आ जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, या वाई स्क्वेयर में यहाँ पे लिख सकता हो इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एन टू अंडर द रूट टू, और वन माइनस टू से माइनस वन आता है, और ए स्क्वेयर कामन है डिवाइड बाई टू। टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड टू फाइंड वाई, ए स्क्वेयर एन टू अंडर द रूट टू माइनस वन डिवाइड बाई टू, और इसका भी अंडर द रूट ले रहे, तो वाई हमारे साथ आ जाएगा ए स्क्वेयर से ए आता है, और बाकी टर्म अंडर द रूट के अंदर आ जाएगा, तो वाई भी मालूम हो गए। ठीक है, तो सो फाइंड एक्स एंड वाई हमारे साथ मालूम हो गए। सो फॉन्ट्स आर फॉन्ट एक्स एंड वाई, तो एक्स हमारे साथ है ए एन टू अंडर द रूट टू प्लस वन डिवाइड बाई अंडर द रूट डिवाइड बाई टू, और ये होल अंडर रूट में है। और वाई हमारे साथ है ए एन टू अंडर द रूट टू माइनस वन डिवाइड बाई टू। अब फर्दर हम एम वन और एम टू मालूम करते हैं, तो इस लाइन से हम m1 मालूम करते हैं, टू डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे साथ ये आ जाएगा d डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू d डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ ए स्क्वेयर। तो ये हमारे साथ एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव है 2x माइनस वाई स्क्वेयर का है 2y, और दोबारा y विद रिस्पेक्ट टू y y प्राइम आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है। ठीक है, टू एक्स माइनस टू वाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये मैं उस साइड पर लिख सकता हूँ, टू एक्स इज इक्वल टू टू वाई वाई प्राइम, बहुत सारे डिवाइड बाई टू, तो टू टू ख़त्म हो जाएगा, तो y प्राइम हमारे साथ आ जाएगा x डिवाइड बाई y,
वाई प्राइम इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। सो वाई प्राइम इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, वाई प्राइम हमारे साथ क्या है एम वन, एम वन है पुट एनी पुट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर ले, तो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ मालूम की है, वाई भी हमने यहाँ पे मालूम की है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा ए एन टू एम वन इज इक्वल टू ए एन टू अंडर द रूट टू प्लस वन डिवाइड बाई अंडर द रूट टू और डिवाइड बाई ए एन टू, ये अंडर द रूट टू है, ए एन टू अंडर द रूट टू माइनस वन डिवाइड बाई अंडर, इसको मैंने अलग अलग अंडर रूट दे दिया, हम बिल्कुल दे सकता हूँ कि किसके साथ और ए ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एम वन हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट टू प्लस वन डिवाइड बाई अंडर द रूट टू माइनस वन, या इसको हम इस तरह पूरा अंडर द रूट में लिख सकते हैं। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए अंडर द रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, तो एम वन इज इक्वल टू ये अंडर द रूट टू प्लस वन डिवाइड बाई अंडर द रूट टू माइनस वन, और इससे अंडर द रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई कर ले और इसे डिवाइड भी कर ले, तो ये एम वन हमारे साथ बन जाएगा। ये अलग अलग इंटीग्रेशन में दे सकता हूँ, अलग अलग में दे सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह जाएगा अंडर द रूट टू प्लस वन, अंडर रूट पहले मैं इस तरह लिख सकता हूँ अंडर द रूट टू प्लस वन होल स्क्वायर, और ये ए माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे साथ आ जाएगा, ये अंडर द रूट टू प्लस वन स्क्वायर और अंडर द रूट है, स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे साथ अंडर द रूट टू प्लस वन रह जाएगा, और ये हमारे साथ अंडर द रूट टू से टू आता है माइनस वन अंडर द रूट इज इक्वल टू अंडर द रूट टू प्लस वन डिवाइड बाई वन अंडर द रूट, वन अंडर टू वन के बराबर है, तो एम वन हमारे साथ आ गया अंडर द रूट टू प्लस वन, तो एम वन हमने मालूम किया जो हमारे साथ अंडर द रूट टू प्लस वन है, तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ एम वन है अंडर द रूट टू प्लस वन, एम वन हमने मालूम किया अंडर द रूट टू प्लस वन। अब डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसी की तरह इसका डेरिवेटिव टू एक्स आ जाएगा और इसका टू वाई वाई डी, जिस तरह मैंने पहले लिखा था, और इज इक्वल टू इसका कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, और ये हमारे साथ यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो ये टू उस साइड पे मैं लिखता हूँ, तो टू वाई वाई डैश इज इक्वल टू माइनस टू एक्स, या वाई डैश इज इक्वल टू माइनस टू एक्स डिवाइड बाई टू वाई, तो टू टू के साथ ख़त्म हो जाएगा। पुट वैल्यूज, पुट वैल्यूज मतलब एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर ले, और वाई प्राइम क्या है एम टू है, इस कर्व का स्लोप, तो एम टू इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई, तो माइनस बाहर और एक्स हमारे साथ है ए एन टू अंडर द रूट टू प्लस वन और डिवाइड बाई अंडर द रूट, अलग अलग अंडर रूट दे दिया डिवाइड बाई, और ये ए बाहर है डिवाइड बाई ए एन टू अंडर द रूट टू माइनस वन डिवाइड बाई अंडर द रूट टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, और एम टू माइनस, और इन दोनों को मैं एक अंडर रूट के साथ अंदर लिख सकता, उसी तरह एग्जैक्टली उसी तरह मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ अंडर द रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, तो ये हमारे साथ आ जाएगा माइनस, अबर ये अंडर द रूट टू प्लस वन होल स्क्वायर और डिवाइड बाई अंडर द रूट टू स्क्वायर, ये पहले मैंने किया है ये तरीका माइनस वन स्क्वायर, तो इससे अंडर द रूट टू प्लस वन आ जाएगा और बाहर माइनस है, अबर इससे वन आ जाएगा, अंडर रूट टू ये टू माइनस वन से वन और वन का अंडर रूट वन के बराबर है, तो एम टू हमारे साथ आ जाएगा माइनस अंडर द रूट टू प्लस वन, ठीक है। या मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ एम टू इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट टू माइनस वन, तो एम टू हमारे साथ आ गया माइनस अंडर द रूट टू माइनस वन, एम टू इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट टू माइनस वन। अब ये वीडियो आप इक्वेशन नंबर थर्ड में फुट कर लें, फुट एन इक्वेशन नंबर थर्ड, ये वीडियो इक्वेशन नंबर थर्ड में फुट कर लें, तो टेंजेंट थीटा हमारे साथ आ जाएगा, एम टू की जगह में फुट करता हूँ माइनस अंडर द रूट टू
माइनस वन और माइनस एम वन की जगह मैं पुट करता हूँ अंडर द रूट टू प्लस वन और डिवाइड बाय वन प्लस और एम वन की जगह मैं पुट करता हूँ एम वन की जगह अंडर द रूट टू प्लस वन और मल्टीप्लाई बाय माइनस अंडर द रूट टू माइनस वन। तो टेंजेंट थीटा हमारे साथ आ जाएगा माइनस अंडर द रूट टू माइनस वन माइनस अंडर द रूट टू और ये माइनस वन डिवाइड बाय वन प्लस ये अंडर द रूट टू और माइनस अंडर द रूट टू जब मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे आ जाएगा माइनस अंडर द रूट टू और ये स्क्वायर आ जाएगा और इससे माइनस अंडर रूट टू माइनस वन जब मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस अंडर द रूट टू वन और माइनस अंडर रूट टू जब मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस अंडर द रूट टू और प्लस वन और माइनस वन जब मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस वन आ जाएगा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस टू एन टू अंडर द रूट टू और माइनस वन और माइनस वन से माइनस टू आता है डिवाइड बाई वन प्लस ये स्क्वेयर की रूट ख़त्म हो जाएगा तो माइनस टू आ जाएगा और ये माइनस वन और इससे माइनस टू एन टू अंडर द रूट टू आ जाएगा। तो टेंजेंट थीटा हमारे साथ आ जाएगा इन दोनों में माइनस टू कॉमन है तो ये रह जाएगा अंडर द रूट टू प्लस वन और ये हमारे साथ आ जाएगा वन माइनस थ्री और माइनस टू एन टू अंडर द रूट टू। तो टेंजेंट थीटा हमारे साथ आ जाएगा माइनस टू और यहाँ पे अंडर द रूट टू प्लस वन रह जाएगा और वन माइनस टू के बराबर है माइनस टू एन टू अंडर द रूट टू। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस टू और यहाँ पे अंडर द रूट टू प्लस वन रह जाएगा और इसमें भी माइनस टू कामन है तो यहाँ पे भी अंडर द रूट टू प्लस वन रह जाएगा। तो दोनों सेम है ये इसके साथ और ये माइनस टू के साथ कैंसिल हो। तो टेंजेंट थीटा हमारे साथ वन के बराबर या थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ वन। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ वन हमें पता है कि पाई बाई फोर या 45 डिग्री रेडियन में पाई बाई फोर या डिग्री में 45 डिग्री के बराबर है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू कर्व्स हमारे साथ मालूम हो गया और इसी के साथ पार्ट नंबर ए सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी है पार्ट नंबर बी हमारे साथ है y स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए एक्स वाई दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इससे भी पहले हम x और y पॉइंट मालूम करते हैं। टेंजेंट y का फार्मूला हमें पता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला m2 टू माइनस एम वन डिवाइड बाई वन प्लस एम वन एम टू। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन फ्राम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू हमारे साथ आती है वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई ए पुट एन इक्वेशन नंबर सेकंड तो वाई स्क्वेयर बाई ए एक्स क्यूब जगह पुट कर ले तो वाई स्क्वेयर बाई ए और इसके ऊपर क्यूब है क्यूब आ जाएगा और प्लस वाई क्यूब अपने जगह पे इज इक्वल टू थ्री ए एक्स वाई। तो ये वाई स्क्वेयर होल क्यूब है तो वाई सिक्स आ जाएगा डिवाइड बाई ए क्यूब और प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए एक्स वाई और एक्स की जगह में एक्स की वैल्यू थ्री ए एक्स वाई है तो एक्स की जगह में वाई स्क्वायर बाई ए पुट कर सकता हूँ वाई स्क्वायर बाई ए और वाई अपने जगह पे तो ये इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में हमारे साथ क्या कॉमन है वाई क्यूब यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे रह जाएगा वाई क्यूब बाई ए क्यूब और प्लस वन वाई क्यूब बाई ए क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू ये हमारे साथ आ जाएगा थ्री
वाई क्यूब, यह हमारे साथ आ जाएगा 3y³। ठीक है, तो या पहले मैं कॉमन नहीं लेता हूँ, ठीक है, ये y क्यूब है और ये 3y³ है। ठीक है, ये टर्म मैं इस तरह लिखता हूँ, पहले y क्यूब, बाद में मैं इसे कॉमन लूँगा, y क्यूब बाई a क्यूब और ये प्लस y क्यूब है। तो y सेक्स है, क्यूब नहीं है, डिवाइड बाई a क्यूब और प्लस वाई क्यूब, और जब ये इस साइड पर तो -3y³, तो -3y³ प्लस वाई क्यूब से आता है -2y³ इज इक्वल टू 0। अब इससे मैं वाई क्यूब कामन लेता हूँ, तो वाई क्यूब कामन मैंने निकाल लिया, तो यहाँ वाई क्यूब बाई ए क्यूब रहता है और यहाँ पे -2 रहता है, क्योंकि वाई क्यूब कामन निकला है, इज इक्वल टू 0। अब इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, तो वाई क्यूब, अब इसका एलसीएम ए क्यूब आ जाएगा, तो वाई क्यूब और इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -2a³ इज इक्वल टू 0। सो वाई क्यूब इज इक्वल टू 0 या वाई क्यूब -2a³ डिवाइड बाई ए क्यूब। वाई क्यूब नेट, क्योंकि वाई हमारे साथ 0 के बराबर नहीं है, तो हमारे साथ ये टर्म 0 के बराबर होगा, तो इससे वो सर मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब, तो ये ख़त्म हो जाएगा, वाई क्यूब हमारे साथ आ जाएगा 2a³, और टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड, तो वाई क्यूब क्यूब रूट इसका भी ले ले और इस साइड का भी क्यूब रूट ले ले, तो वाई 3 ख़त्म, तो वाई हमारे साथ आ जाएगा 2 पावर 1 ओवर 3, और ये ख़त्म हो जाएगा, 2 पावर 1 ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो वाई हमारे साथ मालूम हो गई 2 पावर 1 ओवर 3 a। और अब a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन में, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3rd नाम देता हूँ, पुट एन इक्वेशन नंबर 3rd टू फाइंड x, पुट एन इक्वेशन नंबर 3rd यहाँ पे पुट करें, तो x हमारे साथ आ जाएगा, y की वैल्यू है 2 पावर 1 ओवर 3 a² और डिवाइड बाय a, तो ये x बन जाएगा 2 पावर, इसका जब मैं स्क्वेयर ले रहा, तो 2 और 2/3 आ जाएगा, और ए स्क्वेयर मतलब a मल्टीप्लाई बाई a आ जाएगा, और डिवाइड बाई a, तो a और a कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे साथ आ जाएगा 2 पावर 2/3 n टू a, तो x हमारे साथ पॉइंट्स हमारे साथ मालूम हो गए, जो कि है पॉइंट्स हमारे साथ आ गई, x है 2 पावर 2/3 n टू a, और y हमारे साथ है 2 पावर 1/3 n टू a। ठीक है, अब हम स्लोप मालूम करते हैं, तो डिफरेंशिएट विद इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे साथ बन जाएगा y d डिवाइड बाई डी एक्स, अब y स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स, तो 2y इज इक्वल टू 2y y प्राइम दोबारा डेरिवेटिव इज इक्वल टू a, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x d डिवाइड बाई डी एक्स, आप x विद रिस्पेक्ट टू x 1 आता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो y स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा a डिवाइड बाई 2y, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू ऑलरेडी हमने मालूम की है, तो ये यहाँ पे पुट कर लें, तो ये y प्राइम हमारे साथ क्या है, स्लोप ऑफ कर्व 1, तो इसको हम m1 कहते हैं, m1 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2, और y की जगह मैं पुट करता हूँ y की वैल्यू 2 पावर 1 ओवर 3 n टू a, 2 पावर 1 ओवर 3 n टू a, तो ये a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो m1 हमारे साथ आ जाएगा 1 डिवाइड बाई a डिवाइड बाई 2y, a डिवाइड बाई 2y आ गया, तो y की जगह मैंने पुट कर दिया 2 पावर 1 ओवर 3 a के साथ कैंसिल हो गया, और 1 प्लस 1 ओवर 3 से आता है 2 पावर 4/3, m1 हमारे साथ आ गया 2 पावर 4/3। अब m2 मालूम करते हैं, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे साथ डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो इससे 3x² आ जाएगा, और प्लस वाई क्यूब से आ जाएगा 3y² और y का दोबारा डेरिवेटिव y प्राइम आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 3a बाहर आ जाएगा, और इस यहाँ पे x y में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ, तो x और y का दोबारा डेरिवेटिव dy बाई dx, तो ये y प्राइम आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे y लिख ले
अगर x का दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्टली कर दिया, प्रोडक्ट रूल आपने ऑलरेडी अप्लाई की है, ठीक है, यूज़ की है। तो 3x² प्लस 3y² वाई प्राइम इज इक्वल टू 3a xy प्राइम प्लस 3a y, 3x² प्लस 3y² वाई प्राइम, ठीक है। तो अब ये 3y² वाई प्राइम और ये y प्राइम वाला कंबाइन कर लें, और x x वाला जहाँ पे y हो, ठीक है, वो कंबाइन कर लें, तो हमारे साथ ये बन जाएगा 3y² वाई प्राइम। और ये मैं इस साइड पे लिखता हूँ, तो माइनस 3a xy प्राइम इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x², बोथ साइड डिवाइड बाई 3, बोथ साइड डिवाइड बाई 3, 3 ख़त्म हो जाएगा, ये भी 3 भी डिवाइड कर ली, ये भी 3 तो ये भी, तो 3 ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें हमारे साथ कॉमन है y प्राइम, तो बन जाएगा y² माइनस ax इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू a माइनस, इसमें 3 हमने ay माइनस x² बनता है, ay माइनस x², तो y प्राइम या m2 हमारे साथ आ जाएगा ay माइनस x² डिवाइड बाई y² माइनस ax। तो अब यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट वैल्यूज x और y की वैल्यूज पुट कर लें। तो यहाँ पे जब आप x और y की वैल्यू पुट कर लें, यहाँ पे मैं m1 नोट कर लो ताकि फिर बाद में हमें ये याद हो। m1 हमारे साथ है 1 डिवाइड बाई 2^4/3। और अब यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर ले, तो m2 हमारे साथ आ जाएगा, ये है ay माइनस x², तो a और y की वैल्यू है 2^1/3 इनटू a, और माइनस x², तो x की वैल्यू हमारे साथ है 2^2/3 इनटू a होल स्क्वायर डिवाइड बाई y², y की वैल्यू हमारे साथ है 2^1/3 a होल स्क्वायर, y स्क्वायर है, माइनस a इंटू x, तो x की वैल्यू हमारे साथ है 2^2/3 इंटू a। तो ये हमारे साथ आ जाएगा, m2 हमारे साथ आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय a से आता है a² और 2^1/3 अपनी जगह पे, और माइनस यहाँ पे 2^2/3 होल स्क्वायर से आता है 2^4/3 और a² और होल डिवाइड बाई 2^1/3 स्क्वायर से आता है 2^2/3 और a² और माइनस 2^2/3 इंटू a². तो m2 हमारे साथ आ जाएगा, दिस टर्म और दिस इस टर्म से दोनों सेम है, तो इसी जीरो आ जाएगा, तो एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो स्लोप ऑफ m2 हमारे साथ इन्फिनिटी आ गया। तो अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर ले, पुट द वैल्यूज ऑफ m1 एंड m2 इन इक्वेशन नंबर ए, इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम देता हूँ। तो टेंजेंट थीटा हमारे साथ आ जाएगा m2 इन्फिनिटी माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 n2 इन्फिनिटी। तो टेंजेंट थीटा हमारे साथ अनडिफाइंड है, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, तो इससे हमारे साथ आता है π/2। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमारे साथ मालूम हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कम्प्लीट हो गया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।